बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किदा तुसी वधिया? उम्मीद कर दिया सब खैरिया ना होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू और पालक के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनाने का राज तुहानू शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। पालक और आलू, ठीक है ना, आलू ने बारीक कट लिया वा और पालक ने अच्छी तरह धो लिया। ये पा रही हूँ हरा धनिया और हरिया मिर्चा बारीक चॉप की हुई, ठीक है। इनू पकौड़िया क्रिस्पी बना ली, ठीक है ना। ये मैं पा रही हूँ कॉर्नफ्लोर, ठीक है ना। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाऊँगी और दरा मिर्च पाऊँगी। ये नमक पाऊँगी हसबे ज़रूरत, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनने। ये मैं पा रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला और सुखा धनिया ये ऐड करूँगी। सुखा धनिया बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये मैं 2 चम्मच सुखा धनिया इस्तेमाल करूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पकौड़े बनने। प्याज वगैरह ये मैं कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने तो बाद ये मैं ऐड करूँगी 1 कप बेसन, ठीक है ना। बेसन का 1 कप लूँगी और ये ऐड कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त यदा टेस्ट आएगा और बेसन के बगैर तो पकौड़े बनते ही नहीं है। और बहुत ही मज़ा क्रिस्पी पकौड़े जो बनते ना, वो मैं ऐड किया इस तो कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच ऐड किया, ठीक है ना। और ये मैं पानी पाऊँगी और इनू मिक्स करूँगी, ठीक है ना। पानी आप इन्ना ज़्यादा ये ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ये मैं पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और पतला भी ना हो बेसन, ठीक है ना। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। पकौड़ियां फ्राई करने का भी तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है और जरा अहम स्टेप आना पकौड़ियां फ्राई करना और मैं तुम्हें शेयर करूँगी, ठीक है ना। इदा का तुम मिक्स कर लेना वा, देखो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यदी लुक वा और ना ही इन्ना ज़्यादा पतला करना वा, ठीक है ना। टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा यदा घी गर्म आ, ठीक है ना। इन्नी ज़्यादा हीट नहीं रखनी घी की, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करना ताकि पकौड़े तुम बनाओ तो जल्दी जल्दी जल ना जाए, ठीक है ना। और बिल्कुल अग स्लो रखा, ठीक है ना। बाकी मैं सारे ये ऐड कर लूँगी और जो इन फ्राई करना ना हल्की हल्की अग ते करना वा ताकि बहुत ही ज़बरदस्त इन्हों का टेस्ट आए। मेरे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो जल्दी ना जाके सबसक्राइब कर दो, नाल ही बैल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि तुम हर आने वाली वीडियो मिल सके। कोरे तो क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लगती है। इस तो अग थोड़ी जी स्लो रखा ताकि हल्की हल्की अग ते बहुत ही अच्छी तरह कुक हो। अच्छा जी, मैं तुहानू ना एक गल शेयर करूँगी, मैं कभी भी नहीं तुहानू कहा और एक गल जरूर कहूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो ने फुल वॉच कर लिया करो मेरे प्यारे रिश्तेदारों। हाँ जी, मैं तुम नहीं गल कर रही हूँ, जेरे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ मेरी वीडियो ने पूरा वॉच कर लिया करो। बिल्कुल तुसी थोड़ी जी देख के चले जाते हो और मेरी सारी वीडियो, मेरी सारी मेहनत है ना जी वो ज़ाया हो जाती है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ना, प्लीज़ इदा ना कराया करो, वीडियो ने फुल वॉच कर लिया करो। इन्नी मेहनत ना मैं वीडियो बनाती हूँ और जो मैंने वह रिजल्ट मिलता ना, बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा दुख हों और इन्ना ज़्यादा मैं तकलीफ होंगी। मैं क्या मैं हर किसी को इन्ना दिलों सपोर्ट कर दिया, मैंने कोई करता ही नहीं है, ये तो गल ना करने वाली हुई। तुसी मेरी वीडियो ने फुल वॉच कर लिया करो, मेहरबानी है ढाडी, ठीक है ना। अच्छा जी, पकौड़े तो मेरे रेडी हो गए और मैं बाकी सारे भी इधर रेडी कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त यदा टेस्ट होएगा। आलू और पालक के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार रेडी हो गया। चलो भाई नू चेक करवाते हैं। हाँ जी आकी भाई, वाह भी गुड़े, मजा ही आ गया, लाजवाब।